आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के विषय गणित की प्रश्नावली 7.2। पहला प्रश्न है, संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। पहला प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो है 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 को हमें भिन्न के रूप में दर्शाना है। तो हम लिखते हैं हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। देखिए, ये जितने भी भिन्न हैं वो सब या तो एक से छोटी हैं या एक के बराबर हैं। तो हम एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार। मान लीजिए ये बिंदु है हमारा 0 और ये बिंदु है हमारा 1। तो हर में कितनी संख्याएं हैं? 4। तो यह 4 के मान के हिसाब से हम इस संख्या रेखा के 4 हिस्से करेंगे। एक, दो, तीन, 4। अब ये 4 हिस्से हो चुके हैं। अब हम ये है हमारा पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा और ये चौथा हिस्सा। तो पहली संख्या है हमारी 1/2। तो हम इसे लिखेंगे, ये है हमारा एक बटा चार, ये है हमारा 1/2, ये है हमारा 3/4 और ये जो संख्या रेखा है ये है हमारी 4/4। अब ऐसा लग रहा है कि 1/2 बीच में बिल्कुल अजीब है। नहीं, इसे हम 2/4 भी लिख सकते हैं। यदि हम इसे काटेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। जो दूसरा सवाल है हमारा वो है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। तो इसके लिए हम एक संख्या रेखा खींचेंगे जो कुल 8 भागों में बटी होगी, क्योंकि यहाँ हर में 8 है इसलिए हम इसे 8 भागों में बांट देते हैं। 0 से 1 तक 8 भाग किस प्रकार बांटेंगे हम? ये हो गया हमारा पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा और आठवा भाग। तो सबसे पहला है हमारा 1/8। तो ये हो गया हमारा 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये है 4/8, ये है 5/8, ये है 6/8, ये है 7/8। तो हमारा उत्तर हमें मिल चुका है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। अंतिम जो संख्या रेखा का प्रश्न है उसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर के मान अंश से बड़े थे, देखिए, लेकिन यहाँ अंश का मान हर से बड़ा है। इसका मतलब यह संख्या 1 से ज़्यादा है। तो हमें 0 से 1 तक की संख्या रेखा नहीं खींचनी है, हमें 0 से 2 तक की संख्या रेखा खींचनी है। देखिए किस प्रकार, ये 0, ये है हमारा 2। अब इस संख्या रेखा के हम खींचेंगे 10 छोटे छोटे भाग। तो 10 भाग बना लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इस 10 भाग में हम देखते हैं कि हमारा जो पहला है वो कहाँ पर आएगा। ये है 2/5। तो देखिए, ये है हमारा 1/10, ये है हमारा 2/10, ये है 3/10, ये है 4/10। क्योंकि इसको हमने 2 भागों में बांटा है तो हम ऊपर वाली संख्या को डबल कर देते हैं। ये हो गया 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये होगा 5/5, जिसे हम 1 भी लिख सकते हैं। ये 6/5, ये 7/5, ये 8/5, ये होगा 9/5 और ये होगा 10/5। 5 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये पहला प्रश्न पूरा हुआ।
दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कुछ सरल भिन्नें दी गई हैं, हमें इन्हें मिश्रित रूप में बदलना है। तो मिश्रित रूप में बदलने के लिए हम इनमें भाग लगा देंगे। तो 20 में हम लगाएंगे 3 का भाग। भाग हम यहाँ साइड पे कर रहे हैं, देखिए 20 में हमने भाग लगाया 3 का। तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 6 18, बच गया 2। अब 2 में 3 का भाग नहीं जाता, तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? जितनी बार भाग गया उसे यहाँ साइड में लिखेंगे, भाग जिससे दे रहे हैं उसे नीचे लिखेंगे, और जितना शेषफल बचा है उसे ऊपर लिख देंगे। अगर हम इसे वापस से गुणा करते हैं तो 3 6 18 और 2 20, 20/3। सेकंड है हमारा 11/5। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे यहाँ भाग करके देखते हैं। 11 में भाग देते हैं हम 5 का, 5 2 10, घटाएंगे बच गया 1। तो किस प्रकार लिखेंगे? भाग दी गई संख्या नीचे, शेष बची संख्या ऊपर, और जितनी बार भाग गया है उसे हम लिख देंगे साइड में। तो हमारा उत्तर आ गया 2 सही 1/5। अगला है 17/7 को हम किस प्रकार लिखेंगे? तो 17 में हम देते हैं 7 का भाग, 7 1 7 7 2 14। 17 में से 14 घटाएंगे बचेंगे 3। तो भाग दिया हमने 2 बार, भाग दिया है हमने 7 से, शेषफल बचा 3। चौथा प्रश्न 28/5। तो हम 28 में 5 का भाग दे देते हैं, 5 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो घटाएंगे बचेगा 3। इस प्रकार लिखेंगे, भाग दिया 5 से, शेषफल बचा 3, कितनी बार भाग गया? 5 बार। अगला प्रश्न है 19 में 6 का भाग। 19 में 6 का भाग हम यहाँ दे रहे हैं, 6 कम 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 4 बार में ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम 3 बार ही देंगे। तो 3 बार देने से हो गया 6 3 18, बचा 1। तो भाग दिया हमने 6 से, शेषफल बचा 1 और भागफल आया 3। अंतिम प्रश्न करते हैं, 35 में हमें देना है 9 का भाग। तो 35 में हम 9 का भाग यहाँ दे रहे हैं, 9 एकम 9 9 दुनिया 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार में 36 हो रहा है जबकि ये 35 है। तो हम भाग देंगे 3 बार, 9 3 27, घटाएंगे 5 में से 7 नहीं जाता इसलिए हासिल लेंगे, 1 हासिल लेंगे, तो बन गया 5 15, 15 में 7 गए 8, 2 में से 2 गया 0। तो हमारा उत्तर आ गया, भाग दिया था हमने 9 से, शेषफल बचा हमारे पास 8 और भागफल आ गया हमारे पास 3। तो इस प्रकार हमने सरल भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदल लिया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। यह हमें मिश्रित भिन्नें दी गई हैं, हमें इन्हें सरल भिन्न या विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है। तो पहली भिन्न है हमारी 7 सही 3/4। अब इसे किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हम 4 को 7 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 3 जोड़ देंगे। तो किस प्रकार करेंगे? 4 को 7 से गुणा, फिर हम उसमें जोड़ेंगे 3 और उसमें भाग लगाएंगे 4 का। देखिए क्या आंसर आता है, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 28। 28 में हम 3 जोड़ेंगे और 4 का भाग लगा देंगे, 28 में हम 3 जोड़ेंगे आएगा 31/4। ये होगा हमारा पहला उत्तर। दूसरा देखते हैं, 5 सही 6/7। तो 7 को 5 से गुणा करेंगे और उसमें 6 जोड़ देंगे और 7 से भाग लगा देंगे, 7 5 35, 35+6/7, 35 में 6 जोड़ेंगे होता है 41/7। तीसरा है 2 सही 5/7। तो 7 की गुणा 2 से करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे और 7 का भाग लगा देंगे, 7 2 14, 14+5/7, 14 में 5 जोड़ेंगे हो जाएंगे 19/7। अगला है 10 सही 3/5।
तो 5 को 10 से गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे और 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग, 5 की गुणा जब 10 बार करेंगे ये होगा 50 प्लस 3 बटे 5। 50 में 3 जोड़ेंगे होगा 53 बटा 5। पांचवा सवाल है 9 सही 3 बटा 7। 9 सही 3 बटा 7, तो 7 को 9 से गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे और 7 का भाग लगा देंगे। 7 को 9 से गुणा करेंगे, 7 नाम 63 प्लस 3 बटे 7। 63 में 3 जोड़ेंगे हो जाएंगे 66 बटे 7। अंतिम प्रश्न 8 सही 4 बटा 9। 9 की गुणा 8 से करेंगे और उसमें 4 को जोड़ देंगे और 9 का भाग लगा देंगे। 9 8 72 प्लस 4 बटे 9। 72 में 4 जोड़ेंगे हो जाएंगे 76 बटा 9। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट होती है। आप भी अपनी कॉपी में इसे करें और समझें।